अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार अबू उबैदा का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कई बड़े खुलासे किए और ये बताया कि बीते 48 घंटे के अंदर 25 टैंक जो हैं वो इसराइलियों के उड़ा दिए गए हैं। और बीते दिनों में जब से जमीनी कार्रवाई शुरू की गई है इसराइल द्वारा, बीते 20 दिन के अंदर 160 टैंकों अल-कसाम ब्रिगेड ने उड़ाने का काम किया है। और यह सिर्फ संख्या अल-कसाम ब्रिगेड सैन्य शाखा की है। तो वही दावा जो है खासतौर पर अल-कुदूस ब्रिगेड द्वारा भी किया गया, तकरीबन मिलाकर के 250 से ज्यादा इजरायली टैंकों को जमीन दोस्त कर दिया गया है और हाई रैंकिंग के टॉप ऑफिसरों को गाजा में भेजा गया है हमास को खत्म करने के लिए। और ऐसे कई बड़े अधिकारी थे जो बेंजामिन नेतन्याहू की कसम खा करके गाजा में घुसे थे कि हम हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, पर असल में सुरंगों में ही उन इजरायली सैनिकों की कब्र खुद चुकी है जो खुद ये कहते हुए गए थे कि हमास की कब्र खोद देंगे। ये मैं नहीं बल्कि खुद अबू उबैदा ने इसका खुलासा किया और उन इजरायली सैनिकों की भी तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। और इन इजरायली सैनिकों में से एक बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी जो प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारी हैं, उनका बेटा भी ढेर कर दिया गया है, जो तस्वीर दुनिया के सामने लगातार आ रही है। और किस कदर अबू उबैदा द्वारा बड़ा बयान दिया गया उसके बारे में भी आपको तफसील से बताऊंगा। पर जहां आपको यह देखना चाहिए कि सबसे पहले इस बात का खुलासा किया गया जो लोग ये कह रहे हैं कि हमास जो मार रहा है उससे कुछ नहीं हो रहा, पर इसराइल और अमेरिका जो बताना चाहता है, जो दिखाना चाहता है, जो छुपाना चाहता है, वही दुनिया के सामने परोसा जा रहा है। पर खाड़ी देशों का मीडिया यह बता रहा है कि जमीनी जंग में चाहे लेबनान बॉर्डर हो, चाहे गाजा हो, हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है इसराइल को। और जब मुंह की खानी पड़ रही है तो हवाई हमले जो है वो लगातार तेज कर रहा है। जहां इसराइल सैनिकों का दावा है कि उन्होंने गाजा को घेर लिया है, पर असल में तस्वीर यह सामने आ रही है कि जितना अंदर गाजा के इजरायली सैनिक घुसते जा रहे हैं उतना ही हमास के लड़ाके उन्हें घेर घेर करके मार रहे हैं। असल में घेराबंदी अब जो है गाजा में इजरायली सैनिकों की तेज हो चुकी है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि साफ तौर पर यह बताया गया सोफा, वी हैव डॉक्यूमेंटेड द कंप्लीट ऑफ पेल्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ मोर देन 160 इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स। 160 मिलिट्री व्हीकल जो टैंक है उसे उड़ाने का काम किया गया है, इंक्लूडिंग मोर देन 25 व्हीकल्स विद इन 48 आवर्स। 48 घंटों के अंदर 25 टैंक जो है वो उड़ाने का काम किया गया, क्योंकि इससे पहले जब बीते 2 दिन पहले अबू उबैदा का बयान सामने आया था तो बताया गया था उनके द्वारा कि 136 टैंक जो हैं उनके द्वारा ढेर किए गए। अब उसकी संख्या 48 घंटों के अंदर 25 टैंक उड़ाए तो उसकी संख्या 160 पहुंच चुकी है। द मिलिट्री स्पोक पर्सन ऑफ हमास अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा। जहां दुनिया, जहां अमेरिका, इजरायली मीडिया, हमारा देश का गोदी मीडिया वो अबू उबैदा को आतंकवादी और अल-कसाम ब्रिगेड को आतंकी संगठन करार देने पर लगा हुआ है, वहां खाड़ी देश का मीडिया, सिर्फ एक मीडिया नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में, हजारों की संख्या में मीडिया हाउसेस हैं खाड़ी देशों के, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि द मिलिट्री स्पोक पर्सन फॉर हमास अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा, जो दुनिया के सामने यह तस्वीर आई है जहां आप ये 5 इजरायली सैनिक देख सकते हैं जिसका जिक्र खुद अबू उबैदा ने किया है, जहां यह बताया गया कि इन लोगों ने कसम खाई थी कि हमास को
मिट्टी में मिला देंगे, हमास की खबर जो है उसी सुरंग में खोद देंगे। पर असल में सुरंग के अंदर घुसे तो सही, बड़े बड़े वीडियोग्राफी की जा रही है। वीडियोग्राफी से पहले सुरंग के अंदर घुसने के लिए इजरायली सैनिकों को 100 बार सोचना पड़ रहा है कि अगर आप अपने लाओ लश्कर के साथ गए हैं, आपको पता है कि आपके साथ सारी ताकत है, तो सुरंग में जाइए, सीधा लड़िए हमास से। पर उससे पहले, सुरंग में घुसने से पहले बुलडोजर से तमाम तरीके से गड्ढे करवाए जा रहे हैं और फिर उसके अंदर जाया जाता है कि कहीं कोई धमाका ना हो जाए। पर उसके बावजूद सुरंग के अंदर ये पांचों सैनिक जो हैं घुसे हमास को खत्म करने के लिए, पर वहीं सुरंग में इनकी लाशों का अंबार लग गया, जिसमें आप इन तमाम के चेहरे देख सकते हैं। और इसमें एक चेहरा जो आपके सामने स्क्रीन पर है, खासतौर पर ये बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर उनके जो सबसे करीबी अधिकारी हैं, उनका बेटा भी इस जंग में गाजा की जमीनी कार्रवाई में ढेर कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। और इसका खुलासा जो है खुद अबू उबेदा ने किया है, जिसके बारे में तमाम लोग कमेंट में आकर के बोलेंगे कि नदीम तुम्हें कैसे पता। तो इसका जिक्र जो है खुद अबू उबेदा ने किया है, जहां आप देखें कि अबू उबेदा सेज ओवर 160 आईओएफ व्हीकल्स हिट, आईओएफ एडमिट्स 5 किल्ड इन गाजा, 5 की डेथ का कंफर्मेशन जो है आईओएफ ने भी दे दिया, यानी कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स हाई लेवल के कमांडर गाजा में अब उतारे गए हैं। यही हाई कमांडर जो हैं बलाटा बटालियन कैंप में जूझते हुए नजर आए, और यही जो हैं जेनिन कैंप में नजर आए, और वहां से उन्हें खदेड़ करके भगाया गया। जब वहां से ध्यान हटाया गया तो गाजा की तरफ आईओएफ को भेजा गया, लेबनान की तरफ भेजा गया, लेबनान पर भी ढेर हो रहे हैं, गाजा के अंदर भी ढेर करने का काम किया गया, जहां आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा है इस बयान में, जहां उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि दी स्पोक पर्सन फॉर हमास अल कसाम ब्रिगेड अबू उबेदा अनाउंस एंड टोटल ऑफ क्रिटिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवर 160 यूनिट्स ऑफ जायोनिस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट सिंस द स्टार्ट ऑफ ग्राउंड इन्वेंशन ऑफ द एनिमी हिटिंग ओवर 25 यूनिट्स ओवर देन 48 आवर्स। 48 घंटों के अंदर यह ढेर करने का काम किया गया है और उसकी संख्या 160 के पार पहुंच चुकी है। इन ट्रेन इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स अनाउंस्ड ऑन सैटरडे इवनिंग द किलिंग ऑफ एन ऑफिसर्स एंड 4 सोल्जर्स इन गाजा स्ट्रिप। एक सैन्य के बड़े अधिकारी, 4 सोल्जर जो कि वो भी टॉप रैंकिंग के सोल्जर थे, उनको ढेर करने का काम किया गया, और इसका अनाउंसमेंट खुद इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स द्वारा किया गया है, जहां नथिंग दैट अमोंग द डेड वाज द सन ऑफ अ सीनियर ऑफिशियल इन द ऑफिस ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिसका खुलासा खुद इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स ने किया और यह बताया कि इन पांचों में एक जो है बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी ऑफिसर का बेटा भी ढेर कर दिया गया है, जहां यह जंग की आग अब नजदीकियों के करीब बेंजामिन नेतन्याहू के पहुंचने लगी है, जहां तमाम चैनलों पर इसके बारे में बताया गया। फॉलोइंग दी रीसेंट अनाउंसमेंट नटिंग दी 5 न्यू डेथ इन दी गाजा स्ट्रिप, जो 5 के बारे में बताया गया, और उसके बाद यह दावा किया गया कि 43 सोल्जर जो हैं वो भी ढेर हो चुके हैं बीते 48 घंटों के पीरियड में, और अगर इसकी संख्या देखी जाए तो 500 के पार पहुंच चुकी है, जो मोटे तौर पर यह पूरी बात का कंक्लूजन अबू उबेदा का निकला है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि इससे पहले खबर मैंने सामने रखी थी, जो जंग के दौरान चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें बताया था कि कैसे बेथनौन में भी आईओएफ के टॉप रैंकिंग कमांडरों को ढेर करने का काम हमास के लड़ाकों द्वारा किया गया था, जो कि आप देख सकते हैं कि रेसिडेंस कंटिन्यूज टू कंफर्ट आईओएफ ऑन ऑल गाजा फ्रंट्स,
और असल में अब इज़राइल के ऑफिसर्स जो हैं गाजा में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया के सामने ये तस्वीर तो है कि हमने घेराबंदी कर ली है, पर असल में अल कसाम ब्रिगेड द्वारा, अल कुदूस ब्रिगेड द्वारा, हमास के द्वारा इन सैनिकों की घेराबंदी गाजा में शुरू हुई है। हर एक खबर से आपको अपडेट कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।